दोस्तों आज हम जा रहे हैं कांवड़ियों के फेवरेट पूरा महादेव मंदिर, भगवान शिव का घर, जिसे परशुरामेश्वर भी कहते हैं। जो कहते हैं ये हम आगे जानेंगे। हेलमेट योर बेस्ट बडी इन योर जर्नी। दोस्तों मैं तो मुंबई से हूँ पर अभी बागपत में हूँ, ये मेरा नेटिव प्लेस है। बहुत बचपन की यादें जुड़ी है मेरी इस प्लेस से। मेरे बड़े ब्रदर हरेंद्र सिंह गहलावत यहाँ रहते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियोज में उनसे जरूर मिलाऊंगा। ये हम बागपत के बाजार से गुजर रहे हैं। ये बागपत का बड़ा गेट है, वो सामने आपको नगर पालिका दिखाई दे रही है। राइट में आपको बागपत का पुलिस स्टेशन दिखाई दे रहा है। बागपत इज ए डिस्ट्रिक्ट प्लेस, काफी बड़े फेमस पॉलिटिशियन यहाँ से लड़े हैं चुनाव। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री चौधरी चरण सिंह जी का चित्र माना जाता है बागपत। दोस्तों हम पहुंच गए बागपत बस अड्डा, यहाँ का मेन ट्रैफिक सर्किल है। सामने मेरठ रोड है जिससे पूरा महादेव मंदिर है, और राइट साइड दिल्ली से रोड आती है जो आगे देहरादून की तरफ जाती है। ये बागपत की शुगर मिल है, बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। आसपास के सारे किसान अपना गन्ना लेकर यहीं आते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना दूर तक गन्ने से लदी मंडियां खड़ी हुई है। ये कटेरी का रेलवे क्रॉसिंग है, इसको बागपत रोड स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। अगर आप कभी टटेरी आओ तो यहाँ की बालूशाही जरूर खाना, बहुत फेमस स्वीट है यहाँ की। हम अभी भी मेरठ रोड पर ही चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ जगह जगह काम चल रहा है। जल्दी ये टोल रोड में कन्वर्ट होने वाली है, टोल प्लाजा ऑलरेडी बना भी दिया है। आई थिंक उसके बाद हमको इस पे करना पड़ेगा इस रोड को यूज करने के लिए। यहाँ से पूरा महादेव मंदिर के लिए हम लेफ्ट लेंगे दोस्तों, यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है, कुछ देर में ही हम मंदिर के दर्शन करने पहुँच जाएंगे। पूरा महादेव बागपत से करीब 28 किलोमीटर है, और अगर आप न्यू दिल्ली से आते हो वाया बागपत तो करीब 75 किलोमीटर पड़ता है। दोस्तों यहाँ रुकना तो बनता है। ये गेंदे के फूल है, इंग्लिश में इनको मैरीगोल्ड भी बोलते हैं, और यहाँ इनकी फार्मिंग करते हैं लोग। वो सामने पूरा महादेव का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है। हम पहुंच गए दोस्तों, और साथ में वो जो राइट में दिखाई दे रहा है गुंबद है कि वही मंदिर है। मंदिर के सामने ही हमने बाइक पार्क कर दिया दोस्तों, और हम लेते हैं प्रसाद। अच्छा जी ये बताइएगा प्रसाद क्या है, कितने कितने की थाली है? ये किसकी आई 51 की 101। तो हमें ये 21 वाली दे दीजिए। दोस्तों आपको मिलाता हूँ शिवम से, ये मेरा भतीजा है, इसकी बहुत बड़ी हेल्प हुई है यहाँ तक आने में। प्रस्थान करते हैं मंदिर की तरफ। बहुत दिनों के बाद ये घोड़ा गाड़ी देखने को मिली है, आप भी देखिए। ये सामने मंदिर की सीढ़ियां हैं, ये वही मंदिर है जिसका गुंबद हमको अभी दिखाई दे रहा था रास्ते में। बाबा सर्दी की धूप का आनंद लेते हुए। अपनी धुनी रमाए बैठे साधु महाराज।
वाह, देखिए दोस्तों, मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, नीट एंड क्लीन, स्वच्छता यहाँ की निशानी लग रही है और ये बहुत ही अच्छी बात है। परिसर बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ लिखा है परशुराम महादेव मंदिर समिति। परशुराम जी का इस मंदिर से क्या नाता है वो हमें पंडित जी से मिलने के बाद ही पता चलेगा। शूज उतारने के बाद हाथ धोना तो बनता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, पूरा महादेव शिवलिंग, ये स्वयंभू है जहां पर हजारों की संख्या में कांवड़िया सावन के महीने में हरिद्वार से पवित्र जल लेकर इस शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए आते हैं। हर हर महादेव। गौर से देखने पर ये शिवलिंग स्लाइटली थोड़े से टेढ़े नजर आते हैं, बहुत ही माइन्यूटली, और ये ऐसे क्यों है ये हमें पंडित जी बताएंगे। आप देख सकते हैं शिवम पूरे मनोयोग से जल चढ़ा रहे हैं शिवलिंग को। शिवलिंग पर जल चढ़ाना उनकी पूजा की रीति में शामिल है, कुछ लोग दूध भी चढ़ाते हैं। मंदिर की साफ सफाई यहाँ नियमित रूप से चलती रहती है। जब भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है उसके हिसाब से वो लोग सफाई करते रहते हैं। पंडित जी टीका लगाते हुए ये रेलिंग्स क्यों मेंटेन करने के लिए बनवाई गई है, क्योंकि जब हरिद्वार से श्रावण के महीने में हजारों की संख्या में भक्त जन पवित्र जल लेकर आते हैं तो बहुत भीड़ होती है, तो उनको एक क्यू में रखने के लिए ये बनाया गया है। और सफाई का भी बहुत ध्यान रखा गया है। यहाँ की जो प्रबंधन समिति है वो इसकी तारीफ के काबिल है। नंदी महाराज की जय हो। भगवान शिव के फेवरेट नंदी महाराज। अनदर एंगल ये देखिए, ब्यूटीफुल परिसर में एकदम स्वच्छता है, ये बात बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। अभी मैं आपको आशुतोष जी से मिलाता हूँ जो इस मंदिर के मुख्य पुजारियों में से एक है, जो हमें इस मंदिर की महिमा के बारे में कुछ बताएंगे। आशुतोष जी, ये मंदिर कैसे परशुराम जी ने बनवाया था? यहाँ भगवान परशुराम जी ने तपस्या की, तब भगवान जी द्वारा दर्शन किए और पंडित जी के कहने के अनुसार भगवान परशुराम ने यहाँ तपस्या की थी और ये शिवलिंग स्वयंभू है, मतलब ये स्वयं प्रकट हुए हैं, इन्हें विस्थापित नहीं किया गया है। उनके कहने के अनुसार उस समय के मुगल शासक औरंगजेब ने प्रजा पे बहुत अत्याचार किए हुए थे और उसने इस शिवलिंग को उखड़वाने की भी कोशिश की थी,
उसने कई हाथियों को लगा दिया इसको पढ़वाने के लिए, लेकिन ये शिवलिंग बाहर नहीं निकल पाए और उस प्रयास में वो थोड़े से टेढ़े हो गए हैं, ऐसा पंडित जी का कहना है। थैंक यू आशीष जी। पूरा महादेव का प्रसाद दे रहे हैं हमें पंडित जी। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू। आप देखिए पंडित जी ने कितना अच्छा प्रसाद दिया है। ये कढ़ी चावल का बना होता है, बहुत ही टेस्टी है। ये यहाँ का गेस्ट हाउस है। जब कांवड़िया की यात्रा शुरू होती है तो एसपी और डीएम के रैंक के लोग यहाँ आते हैं बंदोबस्त देखने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ये ट्यूबवेल से निकलता हुआ पानी इतना टेम्पटिंग था कि हम रुक गए। खेतों की सिंचाई के लिए यूज़ हो रहा है। देखिए पक्षी भी मज़े कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों पूरा महादेव टेम्पल का ये लवली ट्रिप एंड करते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और हाँ सब्सक्राइब तो बनता है। और वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।